भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो दिशा निर्देश कोचिंग संस्थानों के लिए जारी किया गया है, ये हमारी दृष्टि से, मेरी सोच के अनुसार ये बहुत सही कदम है, क्योंकि 16 साल की उम्र तक बच्चा इतना मानसिक रूप से तैयार नहीं होता है और कोचिंग संस्थानों के दबाव में या वो प्रतिस्पर्धा के दौर में जूझ जाता है, जिसके कारण उसको बहुत क्षति भी होती है। ये नहीं पूछते बच्चे आपको क्या करना है, जिससे बच्चे के ऊपर और प्रेशर जाता है और कोचिंग में भी अगर सही इसी टेंशन की वजह से पढ़ाई नहीं होती है और पढ़ाई नहीं होती है तो मार्क्स कम आते हैं। जब हमारा छात्र जाता है किसी भी कोचिंग संस्थान में तो उनके द्वारा जो लोभ लालच से आबद्ध होकर के वो अपने मूल से विचलित हो जाता है। देखिए, समय के अनुसार सुधार होते रहते हैं और गवर्नमेंट करती है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र के छात्र का नामांकन नहीं होगा। इसके लिए कई तर्क दिए गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज शहर में और बात करते हैं छात्रों से, अभिभावकों से और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं हमारे उनसे कि इसको, इस पूरे दिशा निर्देश को वो किस आधार पर देखते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये जो दिशा निर्देश सरकार ने दिए हैं उसे किस रूप में देखते हैं आप? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो दिशा निर्देश कोचिंग संस्थानों के लिए जारी किया गया है, ये हमारी दृष्टि से, मेरी सोच के अनुसार ये बहुत सही कदम है, क्योंकि 16 साल की उम्र तक बच्चा इतना मानसिक रूप से तैयार नहीं होता है और कोचिंग संस्थानों के दबाव में या वो प्रतिस्पर्धा के दौर में जूझ जाता है, जिसके कारण उसको बहुत क्षति भी होती है। इसलिए भारत सरकार का जो ये निर्णय है कोचिंग संस्थानों के लिए, वो मेरी तरफ से स्वागत योग्य है। जी, कुछ और लोग हैं, पहले सबसे पहले बच्चों से बात करते हैं। बेटा, आपसे जानना चाहेंगे कितना प्रेशर पढ़ाई का रहता है फिर कोचिंग का, ये जो नया दिशा निर्देश आया इसे किस रूप में देखते हो आप? देखिए, पहली बात तो ये, मतलब जो बच्चों के अंदर है, पेरेंट्स की पहली गलती जो बच्चों के अंदर है, पहले बच्चों से पूछ लेना चाहिए कि बच्चे क्या करना चाहते हैं। पेरेंट्स की एक मतलब गलती होती है कि वो बच्चों का नहीं सोचते हैं वो बच्चे क्या करेंगे, वो उनको कहना जी करना है, उनको IIT करना, पर ये नहीं पूछते बच्चे आपको क्या करना है, जिससे बच्चे के ऊपर और प्रेशर जाता है और कोचिंग में भी अगर सही इसी टेंशन की वजह से पढ़ाई नहीं होती है और पढ़ाई नहीं होती है तो मार्क्स कम आते हैं, मार्क्स आने पर टीचर भी टॉर्चर करता है और फिर कोचिंग में भी टॉर्चर होता है, अरे उसके मार्क्स अच्छे आए हैं, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, इसी सब की मतलब इसी सब कारणों से बच्चे सुसाइड करते हैं। तो इन सब चीजों का गलत असर भी पड़ता है। कुछ और बच्चे, आपसे जानना चाहेंगे, कई तरीके वादे भी कोचिंग वाले करते हैं कि इतना सक्सेस रेट था इस परीक्षा में, क्या इन सब चीजों को देखते हुए ये दिशा निर्देश सही है? बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूँ ये भारत सरकार का जो कदम है यह स्तुत्य है, प्रणम्य है, बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जब हमारा छात्र जाता है किसी भी कोचिंग संस्थान में तो उनके द्वारा जो लोभ लालच से आबद्ध होकर के वह अपने मूल से विचलित हो जाता है। विद्यालय परिवार की संरचना कल्पना ही इस आधार पर, हमारी भारतीय पुरातन जो गुरुकुल परंपरा है उस आधार पर है कि बच्चे का मानसिक के साथ सर्वांगी विकास किया जाना चाहिए, पर कोचिंग में वह कहीं ना कहीं विस्मृत हो जाता है और अपने पद से पदविहीन हो जाता है। कुछ और छात्र हैं, उनसे बात करते हैं, ये जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसे किस नजरिए से देखते हैं? सर, ये जो सरकार द्वारा 16 साल से नीचे वाले बच्चों को कोचिंग ना भेजने का फैसला लिया गया है, नामांकन नहीं होगा, ये एक तरह से बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सर, विद्यालय में छात्रों को सारी चीजें शुरू से लेके पूरी हर चीजें बताई जाती हैं और कोचिंग संस्थानों में क्या है, सिर्फ विषय से रिलेटेड बातें होती हैं, बाकी यहाँ पे आते हैं सारी चीजें जैसे देख सकते हैं आज ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता है। यस सर, हर दिशा निर्देश या कानून के कुछ सकारात्मक पक्ष होते हैं, कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आप बता रहे थे कि ये जो कानून है इसमें कुछ और भी सुधार करने की जरूरत है? देखिए, समय के अनुसार सुधार होते रहते हैं और गवर्नमेंट करती है, फिलहाल उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब प्रयोग किए जाते हैं तो प्रयोग में कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों पहलू होते हैं, तो जब प्रयोग होगा तो जहाँ सफलता मिलेगी वो चलेगा, जहाँ थोड़ा बहुत होगा उसमें थोड़ा चेंजेस आएंगे समय के अनुसार, समय का इंतजार करना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए और जो नीति आई है उसको हम लोगों को सफल कराने में सहयोग करना चाहिए। कुछ और लोग से बात करते हैं, कई बार ऐसा सुनने में आता है कि कुछ विद्यालयों में शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं होता, इस वजह से लोग कोचिंग जाते हैं, तो इससे कम्बैट करने के लिए क्या करना होगा? अगर ऐसी स्थिति है तो सबसे पहले हमें ऐसे शिक्षक, जो योग्य शिक्षक, उनकी नियुक्ति करना चाहिए। अगर ऐसे शिक्षक कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके स्थान पर रिप्लेस किए जाएं, अच्छे शिक्षक वहां पर लाए जाएं, ये संस्थान की जिम्मेदारी है, क्योंकि छात्र, जब सरकार इस तरह की जो है नियमावली ला रही है, इस तरह का कानून ला रही है,
तो हमें शिक्षा संस्थानों को सोचना पड़ेगा कि हमें ऐसे योग शिक्षक की नियुक्ति करें ताकि बच्चे विद्यालय छोड़ के जाए ही ना, क्योंकि विद्यालय में उन्हें संस्कार भी मिलेगा, उनका सर्वांगीण विकास होगा जो कोचिंग में उनको नहीं मिल सकता है। 100% जायज है, क्योंकि कॉलेज में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, और जो कोचिंग सूट्स होते हैं उसमें स्टूडेंट्स को केवल कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है, और जीवन जीने के लिए केवल कंटेंट नेसेसरी नहीं है, तो निश्चित रूप से जरूरी है। और दूसरी तरफ जो गार्जियंस पेरेंट्स हमारे बहुत ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आते हैं और उनके लिए बड़ी समस्या है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हमारे कॉलेजों पर भी इफेक्ट पड़ेगा और कॉलेज भी पढ़ना शुरू करेंगे जो कॉलेज पढ़ाई ठीक से नहीं जा रहे हैं। कोचिंग का करोड़ों का, कई हजार करोड़ों का व्यापार पूरे देश में है, और जाहिर है इस जो दिशा निर्देश शिक्षा मंत्रालय की तरफ जारी हुए हैं इसका इम्पैक्ट होगा। सर फाइनली आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का इम्पैक्ट पूरे शिक्षा उसमें किस स्तर पे होगा बच्चों के अंदर? बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसका, और बच्चों की जो आत्मशक्ति है, मनोबल है, वो बहुत ऊंचा होगा। विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति अच्छी हो जाएगी और बच्चे मन से तैयारी कर पाएंगे। अभी वो बायस्ड हैं थोड़ा कोचिंग जाएं कि विद्यालय जाएं, इसमें उनका दोनों छूट जाता है, दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम। इसलिए मेरा कहना यह है कि सरकार के इस कदम का बहुत स्वागत करना चाहिए और बच्चों को मैच्योर होने दें, उनको मजबूत होने दें, तब समाज में चुनौती के लिए उनको खड़ा करें ताकि वो उस विषम परिस्थिति में अपने आप को सही साबित कर पाएं और अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए समाज की सेवा में अग्रसर हो जाए। तो प्रयागराज में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का कहना है कि यह जो दिशा निर्देश शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ है वो निश्चित रूप से स्वागत करने योग्य है, और इससे बच्चे का संपूर्ण विकास होगा। शिक्षा के बाजारीकरण पर, कोचिंग के बाजारीकरण पर कम से कम इस पे अंकुश लगेगा। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।